नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। और आज हम बात करेंगे खासकर बरसात में, बरसात में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम खराब ना हो। और खासकर कई चीजें हैं जो हमारे ध्यान से उतर जाती है, प्लानिंग रहती है कि हाँ बरसात से पहले हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता, चूक हो जाती है और आप भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी ये एक रिमाइंडर वीडियो है कि अगर आपने ये गलती की है तो जल्दी से सुधार कर लीजिए, क्योंकि बरसात में हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इन चीजों को जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट शेयर करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहला चीज है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई खासकर थंडरिंग में या अडेप्टर हो गया, अडेप्टर भी पावर सप्लाई के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा उड़ती है, यानी कि खराब होती है। इसको अगर आपको बचाना है तो सबसे पहले पावर सप्लाई आपको अच्छे ब्रांड के आपको लेने होंगे। अगर आपने पहले से लगा लिए हैं तो आपके लिए थोड़ा डेंजरस है, अगर आप लगाने वाले हैं या आपका डैमेज है तो आपको बेहतरीन है कि आप हिगविजन के पावर सप्लाई को ले लीजिए। उसमें कूलिंग फैन भी होता है, शॉक प्रूफ होता है, तो काफी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें कि इस तरह की समस्या थंडरिंग से रिलेटेड खासकर नहीं होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पहले से लगा लिया और एडेप्टर DVR का जो एडेप्टर है ये काफी ज्यादा खराब होता है, तो उसको बचाने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा अलग से आप एक UPS जरूर ले लें। UPS आपके ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, थंडरिंग वगैरह अगर होता है तो उससे आपके सिस्टम को बचाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप UPS लगा लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, अगर ओपन वायरिंग आपने की है तो जरूर ध्यान दें। ओपन वायरिंग में क्या होता है कि कहीं पर अगर कटा हुआ है तो उसको जो है आप सील्ड करवा लें, टेप करवा लें, जो भी तरीके हैं आप अजमा लें जिससे कि वो कटा पार्ट जो है वो हट जाए। क्योंकि जहां पर कटा होता है ना वहां से पानी का रिसाव होता है और पानी रिसते रिसते या तो DVR तक आ जाता है, कनेक्टर तक आ जाता है, या फिर आपका वायर जो है उसमें एल्यूमिनियम सील्ड जो होती है वो खराब हो जाती है। तो उसको आपको बचाना है, और उसको बचाने के लिए जहां पर भी कटा हुआ है अगर आपके नजर में है तो आप जरूर उसको फिर से सील्ड कर दें तो आपके लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि एक दो बूंद भी पानी गया तो वो एल्युमिनियम सील्ड खराब हो जाएगा अगर आपने हिगविजन के वायर नहीं यूज किए हैं या फिर बेहतरीन वायर नहीं यूज किए हैं तो। और साथ में मैं तो यही कहूंगा कि वायरिंग जो है आप प्रॉपर करवाएं, खासकर पाइप वायरिंग करवाएं, प्रोफेशनल से आप वायरिंग करवाएं। ऐसा नहीं है कि 200-250 पर कैमरा वाले से आपने काम करवाया और वो आपको बेहतरीन हाई मतलब कि एक बेहतरीन तरीके से वायरिंग करके देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वायरिंग में कॉस्ट लगेगा, खर्च लगेगा, और बेहतरीन अगर आप खर्च करते हैं, तरीके से खर्च करते हैं तो आप एक अच्छा वायरिंग करवा सकते हैं। पर एक और चीज़ है हार्ड डिस्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क अगर आपने लोकल हार्ड डिस्क लिए हैं, डैची के लोकल जो भी हैं डैची, इसके अलावा कुछ और ब्रांड हैं जैसे एवरटेक मार्केट में है, जियोनिक्स मार्केट में है, इन सभी के अगर आपने लिए हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। UPS जरूर लगा लें क्योंकि ऐसे हार्ड डिस्क अक्सर थंडरिंग में या फिर ओवर वोल्टेज से खराब हो जाती है, एबनॉर्मल स्टेटस आता है। तो जरूर ध्यान रखें अगर उस तरह के हार्ड डिस्क अगर आपने लगाए हैं तो। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले बताना था बट मैंने नहीं बताया, अगर कैमरे आपके पेड़ पर लगे, कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोग कैमरे पेड़ पर लगा देते हैं, तो अगर आपके कैमरे पेड़ पर लगे हैं या फिर ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, 1-1.5 मीटर के नज़दीक है, या फिर कैमरे छत पर कुछ ऐसे जगह पर लगा हुआ है जहाँ पर छत का पूरा पानी कैमरे के ऊपर ही गिर रहा है, हालांकि IP67 रेटिंग है, बट अगर कंटिन्यू उसके ऊपर ही पानी गिरेगा तो दिक्कत होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर ऐसे कंडीशन में है तो आप खासकर पेड़ पर लगें तो उसे हटा लें, ट्रांसफार्मर के नज़दीक है तो उसे हटा लें, या फिर कैमरा में डायरेक्ट वाटर जा रहा, पानी जाने का संभावना है तो आप उसको हटा लें। अगर आप नहीं हटाइएगा तो बरसात में आपको दिक्कत होगी। खासकर एक और चीज़ होती है, पेड़ पर जहाँ पर कैमरे लगे हैं कैमरे तो बच जाते हैं, लेकिन जब थंडरिंग होता है तो HDMI पोर्ट उड़ जाता है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है कि HDMI पोर्ट को बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि बरसात में बहुत सावधानी रखनी है सिक्योरिटी सिस्टम को। अगर हो सके, बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रही है, अगर आप अवेलेबल है तो सिस्टम को आप ऑफ कर सकते हो। नहीं निश्चिंत रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है कि आप UPS लगा लें अलग से। 2000-2500 में UPS आता है, 3000 तक UPS आता है, आप लगा लें, चाहे विजन के UPS लगा लें, माइक्रोटेक के UPS
आईपीएस लगा लें, जो भी यूपीएस लगा लें, यूपीएस इंपॉर्टेंट है आपके सिक्योरिटी कैमरे की सेफ्टी के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप इससे सावधानी बरतेंगे, बरसात के दिनों में अपने सिस्टम को बचाने के लिए कुछ स्टेप जरूर उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।